जमशेदपुर के कुवाली थाना क्षेत्र से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कुवाली थाना क्षेत्र में ओम प्रधान होटल के मालिक सुकु महाकुरा को अवैध गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में सोमवार को जेल भेजा गया। इस मामले में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के एसएसपी को गुप्त सूचना मिली कि कुवाली थाना क्षेत्र के एक होटल में अवैध गांजा तस्करी की जा रही है। इसके लिए मुसाबनी की टीम के सहयोग से ओम प्रधान होटल में छापेमारी की गई, जहां वैध गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जहां पुलिस ने मुसाबनी थाना के सहयोग से होटल में छापेमारी की और वहां से 1 किलो से ज्यादा अवैध गांजा के साथ होटल के मालिक सुकु महाकुरा को गिरफ्तार किया। इस वीडियो में आगे लोगों को 21 तारीख की शाम में हम लोगों को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से जो है गांजे की बिक्री की जा रही है कुवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसी के आलोक में फिर हम लोगों ने एक छापामारी दल का गठन किया और उसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों को 1 किलो करीब जो है गांजा बरामद हुआ एक दुकान से, जो कि एक होटल के रूप में कार्यरत थी और वहाँ से वह व्यक्ति उनकी छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचा करता था। तो इसके लिए हम लोग अपने थाना प्रभारी की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है। और अभी चुनाव के दौरान हम लोग का पूरा प्रयास यही है कि किसी भी रूप में नशे का कोई भी कारोबार जिससे कि चुनाव पे किसी प्रकार का कोई असर पड़ सके हम लोग ना होने दें, तो उसी के क्रम में एक अच्छी सफलता है। आशा करते हैं कि और भी अगर कहीं पे इस तरह का कुछ घटना हो रही होगी तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करके ऐसे व्यक्तियों को सजा दिलाने में सक्षम रहेंगे। इस व्यक्ति का नाम है सुकु महाकुड़ नाम का व्यक्ति है, कोवाली थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है ये। इसका कहना है कि मतलब ये अगल बगल के जिलों से इसको प्राप्त करता था, पर बहुत अधिक डिटेल्स नहीं देंगे क्योंकि इसका किंगपिन जो है वो अभी भी थोड़ा फरार है। हम लोग उसके छापेमारी कर रहे हैं, जल्दी ही इसके किंगपिन को ही पकड़ने में हम लोग कामयाब होंगे।